नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी का क्षेत्रीय सम्मेलन जो कि उत्तर भारत कानपुर में यहां पर कल आयोजित किया गया था, वो सफलतापूर्वक यहां पर सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इस सम्मेलन में क्या कुछ प्रमुख बातें हुई है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति का क्षेत्रीय सम्मेलन कल दिनांक 21 मार्च 2021 को उत्तर भारत कानपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में राष्ट्रीय नेतृत्व विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड के पदाधिकारी एवं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने इन सभी का यहाँ पर स्वागत किया। सम्मेलन में पधारे प्रमुख अतिथि माननीय श्री सत्यदेव पचौरी जी, सांसद कानपुर महानगर के द्वारा सदन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ को उठाने, उनके मांगों को सदन के बीच रखने व राष्ट्रीय संघर्ष समिति को सफलता नहीं मिलने तक पूरा साथ देने का आश्वासन यहां पर दिया। माननीय श्री महेश त्रिवेदी जी, क्षेत्रीय विधायक किदवाई नगर ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांगों की जानकारी माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार से अवगत कराने, प्रतिनिधिमंडल में वार्ता करने का भी आश्वासन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश महिला विंग की स्थापना कर श्रीमती सुधा निगम जी को मंडल अध्यक्ष कानपुर एवं मिस अभिलाषा पांडे जी को मंडल सचिव कानपुर के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया। मौजूदा पेंशनर में ईपीएफओ के प्रति प्रचंड रोष व अभी तक उचित मांगों को मंजूर न किए जाने के प्रति जमकर नाराजगी देखने को मिली। साथ ही मांगों के समर्थन में किसी भी हद तक बलिदान देने की वृद्ध पेंशनर्स ने अपना हौसला दिखाया। वरिष्ठ नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए आश्वासन पूर्ण करने हेतु कुछ समय और धीरज रखने की यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से अपील की। मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन के रूप में माननीय श्री कमांडर अशोक राउत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री पी एन पाटिल जी, राष्ट्रीय सलाहकार रंजीत सिंह दासुंदी, उत्तर भारत समन्वयक एवं राजस्थान अध्यक्ष श्री राजकुमार त्यागी, प्रांतीय अध्यक्ष हरियाणा श्री सुरेश दंडवाल उत्तराखंड, श्री जगत सिंह समन्वयक श्री राजेश शुक्ला जी, राष्ट्रीय सलाहकार श्री ओम शंकर तिवारी जी, राष्ट्रीय सचिव श्री आसाराम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव, प्रांतीय अध्यक्ष श्री कैलाश किशोर चतुर्वेदी जी, प्रांतीय समन्वयक श्री चंद्रभान सिंह, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री के एस तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष मध्य क्षेत्र श्री शमसुल हसन, मंडल समन्वयक लखनऊ श्री कमलाकर त्रिपाठी, मंडल सचिव वाराणसी श्री रामफेल उपाध्याय, प्रांतीय सचिव पूर्वी क्षेत्र श्री बी पी मिश्रा, मंडल सचिव गोरखपुर एवं अन्य सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। सभा की अध्यक्षता मिश्रा जी कानपुर एवं संचालन श्री राजेश शुक्ला जी के द्वारा यहाँ पर की गई। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति के क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर भारत कानपुर को सफल आयोजित किए जाने पर कानपुर टीम एवं उत्तर प्रदेश के मंडलीय टीम को बधाई दी गई एवं सभी उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का आभार व्यक्त यहां पर किया गया। तो दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर भारत कानपुर में जो सम्मेलन 21 मार्च 2021 को हुआ, उसी के बारे में ये छोटी सी अपडेट आप तक पहुँचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।